जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है यूपी पुलिस में जो आप लोग की SI ASI रिक्रूटमेंट आई हुई है, जिसके लिए ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं। जी, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई नहीं किया, फॉर्म अप्लाई कीजिए। 28 जनवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ किस प्रकार से यूपी SI ASI में सिलेक्शन लेंगे, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, A to Z जानकारी आप लोगों को मेरे स्टूडियो मिलने वाले वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। वैकेंसियां कम है लेकिन कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस आप लोग के रहने वाले हैं। रिटन एग्जाम, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, टाइपिंग, स्टेनो, मेडिकल के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। लेकिन इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में जितने अच्छे नंबर आप लोग लेकर के आएंगे, उतने ज्यादा आप लोग के सिलेक्शन के चांसेस रहने वाले हैं। और रिटन एग्जाम के लिए चक्षु प्रकाशन की बुक मार्केट में आई हुई है, अच्छी बुक है, परचेज कीजिए। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया गया है। GK, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके अलावा इनके प्रैक्टिस सेट आते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है रिटन एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए। बुक परचेज कीजिए, प्रैक्टिस सेट परचेज कीजिए। ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, ऑनलाइन परचेज कीजिए। ऑफलाइन भी आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट, 921 पोस्ट है। SI गोपनीय की वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप लोग की ASI अकाउंट्स की और ASI कलर की आप लोग की वैकेंसी है। इस आप लोग की यहाँ पे 21 से 28 साल, यदि आप लोग जनरल कैंडिडेट हैं, फिर चाहे मेल हो फीमेल हो, OBC SC ST से आते हैं तो 5 साल का बेनिफिट, यानी कि 21 से 33 साल तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1/7/2023 से आप लोग की एज काउंट हो रही है, तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और इसके अलावा आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस, किस प्रकार से सिलेक्शन होना है, सभी का एक ही जैसा प्रोसेस है। फिर चाहे वो आपका रिटन एग्जाम हो, फिजिकल हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, मेडिकल हो, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए चलते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे A to Z जानकारी आप लोग को दी जाएगी। तो तीन तरह की पोस्ट आप लोग की यहाँ पे निकली हुई है। SI गोपनीय 268 पोस्ट, इसी प्रकार से ASI कलर 449 पोस्ट, और ASI लेखा आप लोग का जो है 204 पोस्ट। टोटल 921 पोस्ट आप लोग की निकली हुई है। सभी का सिलेबस यहाँ पे सेम है, लेकिन क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा अंतर है। आप लोग जैसे ही नीचे आते हैं, इसका लिंक मैं आप लोग को दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक भी आप लोग को दिया, वहां पे आप लोग को नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे जनरल OBC SC ST सभी पोस्टों पे वैकेंसियां दी गई हैं, आप लोग देख सकते हैं। अदर स्टेट से भी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जनरल में आप लोग यहाँ पे काउंट होने वाले। तो वैकेंसी की डिटेल आप लोग को दे दी, 28 जनवरी तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्वालिफिकेशन में यहाँ पे अंतर है, बाकी सिलेबस आप सभी का सेम है। तो SI गोपनीय के लिए आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं, स्नातक आप लोग होने चाहिए। BA BSc BCOM BE BTEC MTEC आप लोगों ने कर रखा, मींस आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट आप लोग यहां पे होने चाहिए, फिर चाहे कॉमर्स से हो, आर्ट्स से हो, साइंस से हो, इंजीनियरिंग से हो, किसी से भी हो, आप लोग यहां पे ग्रेजुएट हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें साथ में जो आप लोगों से मांगा जा रहा है, टाइपिंग आप लोग की यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट आप लोग की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और साथ में आप लोगों से स्टेनो यहाँ पे मांगा गया है, न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट की गति से आशुलिपिक। तो यहाँ पे आप लोग को दोनों तीनों चीजें यहाँ पे, यानी कि हिंदी टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग है, और इसके साथ साथ स्टेनो है SI गोपनीय की पोस्ट के लिए, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट तो सभी पोस्टों में यहाँ पे आप लोग को चाहिए ही चाहिए। फिर चाहे आप लोग का गोपनीय हो, लिपिक हो, या फिर आप लोग का लेखा हो, ठीक है, तो आप लोग को कंप्यूटर सभी में चाहिए। लेकिन जो गोपनीय की पोस्ट है, इसमें आप लोग की हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग, और साथ में आप लोग का स्टेनो होने वाला है, ध्यान रखिएगा। ग्रेजुएशन के साथ साथ आप लोग को इनकी तैयारी भी करनी होगी। चलिए, इसके अलावा फॉर्म अप्लाई करते समय कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन आप लोग का इसका टेस्ट होगा टाइपिंग का, स्टेनो का, तो वो आपको क्लियर करना होगा। इसके अलावा यदि आप लोग ASI लिपिक के लिए अप्लाई करते हैं, कलर के लिए, तो यहाँ पे आप लोग स्नातक होने चाहिए, उसी तरीके से गोपनीय की तरह ही। जी हाँ, जनरल मीन्स यहाँ पे आप लोगों ने BA BSc BCOM BE BTEC कर रखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साथ में यहाँ पे आप लोगों से टाइपिंग यहाँ भी मांगी गई है, 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, लेकिन इसमें आप लोग का स्टेनो नहीं मांगा गया है, इतना बेनिफिट आप लोग को यहाँ पे है। तो आप लोग को हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग पे फोकस रखना होगा, यदि आप लोग ASI कलर के लिए आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया। 400 प्लस आप लोग की वैकेंसी है, जनरल OBC SC ST EWS सभी के लिए। दो एक ओ लेवल या फिर इसके इक्विवेलेंट सभी को सर्टिफिकेट चाहिए। फिर चाहे आप लोगों ने गोपनीय के लिए भरा हो, लेखा, या फिर अकाउंट, किसी के लिए भी, क्लर्क के लिए, आप लोगों ने किसी के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, एक आप लोग के पास ओ लेवल या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए।
ओ लेवल की जानकारी मैंने आप लोग को दी है। जी हाँ, डोए को ओ लेवल कर रखा है या फिर आप लोगों ने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रखा है, मान्यता प्राप्त या सरकारी, पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है। आप लोगों ने बीसीए कर रखा है, एमसीए कर रखा है, बीटेक कर रखा है कंप्यूटर साइंस से, आईटी से, तो भी आप लोग यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वन ईयर डिप्लोमा आप लोगों ने किया है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, सरकारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, जो कि किसी बोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। पूरी जानकारी आप लोग को दी गई है, आप लोग मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, ए टू जेड जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। चलिए, इसके अलावा आप लोगों ने लेखा के लिए, तो देखिए लेखा का थोड़ा सा यहाँ पे अलग है, मींस अकाउंट के लिए यदि आप लोग एएसआई अकाउंट के लिए फॉर्म आप लोगों ने अप्लाई किया है तो यहाँ पे ग्रेजुएट आप लोग होने चाहिए, लेकिन जो यहाँ पे आप लोगों से ग्रेजुएशन मांगा गया ये कॉमर्स में मांगा गया, यानी कि ये स्पेशली जो ये पोस्ट है ये कॉमर्स वालों के लिए है। बस इतना सा अंतर है, बाकी सिलेबस वगैरह सभी कुछ सेम है यहाँ पे। तो जो आप लोग की एएसआई अकाउंट, जैसा कि आप लोग को नाम से ही लग रहा है अकाउंटेंट की पोस्ट है, जी हाँ, एएसआई अकाउंट आप लोग का जो है इसमें आप लोग को वाणिज्य यानी कि बीकॉम आप लोगों ने कर रखा है या फिर लेखा शास्त्र में आप लोगों ने परा स्नातक कर रखा है तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। अदर यहाँ पे बीए और बीएससी बीटेक वगैरह ऐसे अप्लाई आप लोग नहीं कर सकते, ठीक है। बस इतना अंतर है और बाकी यहाँ पे आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे बीकॉम वालों को कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हिंदी में 15 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड ही मांगी गई, इंग्लिश की नहीं मांगी गई, ना ही कोई स्टेनो मांगा गया। ओ लेवल तो खैर सभी को चाहिए, ओ लेवल या उसके समकक्ष। तो चलिए, ये आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया, ये सब कुछ आप लोग का है। अपीयरिंग नहीं होना चाहिए, आप लोग पास होने चाहिए, जो भी आप लोग का ग्रेजुएशन मांगी गई, चाहे बीकॉम किया हो या फिर बीए बीटेक, जो भी आप लोग की क्वालिफिकेशन ये आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और टाइपिंग वगैरह ये सब स्टेनो वगैरह ये आपको क्लियर करने होगा, क्वालिफाइंग नेचर का होता है ये, ठीक है, इसका कोई सर्टिफिकेट आप लोग को नहीं चाहिए। इसके अलावा एज आप लोग की 1/7/2023 को काउंट हो रही है, 21 से 28 साल मैंने आप लोग को बता दिया। जनरल की और ओबीसी एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का बेनिफिट मिलने वाला है यदि आप लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ही, ठीक है। इसके अलावा आप लोग नीचे आएंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा, इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, सबसे पहले आप लोग का रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न एग्जाम के बाद आप लोग का फिजिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद आप लोग की टाइपिंग स्टेनो ये होगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होती है। उसके बाद आप लोग का मेडिकल होने वाला है, ये आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस है। तो रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे 400 नंबर का आप लोग का पेपर होने वाला है, सभी पार्ट यहाँ पे 50-50 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि 200 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन आप लोग का 2 नंबर का होगा, यानी कि हिंदी और कंप्यूटर आप लोग का 50 क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। इसी प्रकार से आप लोग का जीके आने वाली 50 क्वेश्चन 100 नंबर की, और मैथ आप लोग की यहाँ पे आने वाली 50 क्वेश्चन 100 नंबर की, रीजनिंग आप लोग की आने वाली 50 क्वेश्चन 100 नंबर की, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का। 200 क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग होंगे, 400 मार्क्स के होंगे, 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, ओवरऑल आप लोग का जो है 400 नंबर है, इसमें से आप लोग को 40% मार्क्स लाने ही होंगे क्वालिफाइंग करने के लिए। ध्यान रखिए इससे कम नंबर होंगे तो आपके ऊपर विचार भी नहीं किया जाएगा, उसके बाद आप लोग 40% लाने के बाद ही आप लोग को जो है मेरिट जो लगेगी उसमें आप लोग के ऊपर विचार किया जा सकता है। यदि आप लोग मेरिट में आएंगे तो आगे के लिए यानी कि फिजिकल के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा। तो 40% ओवरऑल आप लोग की होनी चाहिए, और सभी पार्ट में यानी कि जो आप लोग का जीके हो गया, हिंदी हो गया, मैथ हो गया, सभी में आप लोग को अलग अलग 35% मार्क्स भी होने चाहिए, सभी में अलग अलग 35% और ओवरऑल 40%। ध्यान रखिएगा कोई माइनस मार्किंग आप लोग की नहीं है। एक से अधिक दिन आप लोग का एग्जाम चलता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम चलता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, उसका फॉर्मूला दिया। और यदि एक से अधिक शिफ्टों में या भी एक से अधिक दिन एग्जाम नहीं चलता तो कोई नॉर्मलाइजेशन आप लोग का यहाँ पे होने वाला नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जानकारी आप लोग को दी गई, जी हाँ, रिटर्न के बाद आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट सारे आप लोग के पास रेडी होने चाहिए और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले का ही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस चीज का, 28 जनवरी 2024 से पहले का। इसके अलावा साथ साथ आप लोग का फिजिकल होने वाला, फिजिकल में कोई रनिंग नहीं होती है, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोग को मिलने वाला, कोई रनिंग नहीं है, सिर्फ आप लोग का हाइट और चेस्ट आप लोग का होने वाला है। तो देखिए ऊंचाई जो आप लोग की है सामान्य जनरल ओबीसी और एससी कैंडिडेट की 163 सेंटीमीटर है, मेल कैंडिडेट और एसटी हैं आप लोग मेल कैंडिडेट 156 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट मांगी है। और चेस्ट की जानकारी दी जाए तो यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी कैंडिडेट 77 और 82 सेंटीमीटर फुलाव के बाद आना चाहिए, और एसटी कैंडिडेट है मेल यहाँ पे 75 और फुलाव के बाद 80 आप लोग का मिनिमम यहाँ पे आना ही चाहिए, 5 सेंटीमीटर का फुलाव देखा जाता है। इसी प्रकार से फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ पे जनरल ओबीसी एससी आप लोग की 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मिनिमम, और एसटी फीमेल है तो 145 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होनी चाहिए, और वजन आप लोग का 40 केजी मिनिमम होना चाहिए महिला कैंडिडेट। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पे फिर इसके बाद रनिंग वगैरह कुछ नहीं होती, आप लोग को टंकण के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आप लोग का टाइपिंग स्टेनो वगैरह होगा। ध्यान रखिएगा स्टेनो सिर्फ आप लोग का जो है गोपनीय की पोस्ट के लिए है, बाकी आप लोग का टाइपिंग सभी में है।
तो इसके बाद आप लोग का होने वाला है मेडिकल, जी हाँ, इसके बाद मेडिकल और इसके बाद आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है ए टू जेड किस प्रकार से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। आगे की जानकारी के लिए चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू।